हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है आपकी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि चल रहा है आपका मॉडल पेपर, और उसकी आज हम लेकर आए हैं आपकी सेकेंड क्लास। जो आपका चल रहा है इसमें है आपका थ्योरी का, यानी कि ट्रेड थ्योरी का ये पार्ट है या सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन है 20, क्योंकि हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, 38 क्वेश्चन आपके टोटल थ्योरी के आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम आपका ऐसे ही आता है जिस प्रकार से हम यहाँ आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर्स। देखिए, बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमावदार क्षतिपूर्ति होती है वो क्यों प्रदान की जाती है, यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों आपकी डीसी जनरेटर में की जाती है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा है। अब देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, जो आपके आर्मेचर प्रतिक्रिया है यानी कि आर्मेचर रिएक्शन है, उसके जो इफ़ेक्ट होता है उसको बेअसर कर देती है, यानी कि इसके इफ़ेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता डीसी जनरेटर पर। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में सी में दिया हुआ है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, इट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। देखिए, डीसी जनरेटर में जो पोल शू होते हैं उसका क्या कार्य होता है और उनका प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो आपका पोल शू होते हैं वो क्या करते हैं, पोल शू का जो कार्य होता है, एक तो होता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, उसको फैलाना। ठीक है, उसको क्या करता है, फैलाता है, ये करता है पोल शू का कार्य। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि एयर गैप जो आपका होता है, एयर गैप में सामान्य रूप से फ्लक्स को फैलाना। ठीक है, घुमाकर यहाँ बात यही आ जाती है, तो यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पूछा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग प्रयोग किए जाते हैं उसका कार्य होता है, ये क्या कार्य करते हैं, जो आपकी धारा है यानी कि करंट है उसको एक ही डायरेक्शन में इकट्ठा करना या एकत्र करना, इसका कार्य होता है स्प्लिट रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में दिया है निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, और ये गलत जाएगा। बी ऑप्शन में हमें दिया है कलेक्ट द करंट अनडायरेक्टली, यानी कि धारा को एक ही दिशा में एकत्र करना, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 23, पूछा है विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर में जो ब्रश लगे होते हैं, जो कम्यूटेटर पर लगे होते हैं, वो ब्रश किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो डियर, ये होते हैं आपके ग्रेफाइट के, दूसरा आपके कार्बन के होते हैं, और अगर कार्बन ग्रेफाइट साथ में भी आ जाता है या फिर अलग अलग भी आ जाता है। ग्रेफाइट आता है तो कार्बन आपका नहीं आएगा, कार्बन अगर आएगा तो ग्रेफाइट आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो जनरेटर में ब्रश लगे होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ कार्बन और ग्रेफाइट के, जहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाता है। देखिए, आप उन्हें इस तरह भी याद रख सकते हैं, डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर के साथ लगे होते हैं वो कार्बन ब्रश होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा कि कार्बन ब्रश है तो कार्बन के बने होंगे, है ना। और जहाँ पर कार्बन है साथ में ग्रेफाइट आपको दिख जाए तो टक से ऑप्शन वहीं पर लगा दो, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 24, पूछा है व्हाई डीसी जनरेटर्स आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। अब यहाँ ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें आंसर लगाना है। फील्ड की फ्लैशिंग बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना लोड के लगातार चल रहा है, ये तो गलत जाएगा, ये भी आपका गलत जाएगा, बिना रुके लगातार चलना,
बिना रुके लगातार चलना। और यहाँ डी ऑप्शन आपका आता है कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ध्यान रखेंगे डीसी जनरेटर हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। अगर वो उसकी रोटेशन की दिशा चेंज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करता है, खो देता है, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 25 पूछा है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर्स इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, की लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर्स का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं आपके संचय यौगिक जनरेटर, यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 26 पूछा है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है उसके लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए जो डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं आपके डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन से होते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको प्रैक्टिस चल रहा है, ये मत सोचिएगा कि हम आपको ये प्रिपेयर करा रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। मैंने आपको ये क्लासें दे चुकी हूँ पहले ही थ्योरी की, जिस प्लेलिस्ट में आप ये क्लास देख रहे हैं वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। वो क्लासें भी ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वाली क्लासें देखें, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छे से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है 27 पूछा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, जो वेव बाइंडिंग होती है यानी कि तरंग बाइंडिंग डीसी जनरेटर में, उसकी क्या विशेषता है। विशेषता आपसे पूछी है वेव बाइंडिंग की, तो इसकी जो विशेषता होती है किस लिए वेव बाइंडिंग की जाती है, तो देखिए एक होता है कि मान लीजिए आप हैं, आपकी कोई अच्छी आदत है, तो वो क्या है आपकी एक विशेषता आपकी हो जाती है जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर है इसकी जो तरंग बाइंडिंग की विशेषता होती है ये होती है कि क्या करती है, लो करंट लेती है, कम करंट लेगी और वोल्टेज ज़्यादा देती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हमें यह मिल जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर संयोजन है उसमें जो प्रयुक्त प्रतिरोध तार है उसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये आपकी धारा की धारा होती है, करंट है, उसकी डायरेक्शन को आसानी से पलट देना या मतलब कि चेंज कर देना, उसको बदल देना, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 29 पूछा है, व्हाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्या है, यानी कि जो आपके ठोस पोल शू हैं डीसी जनरेटर में क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपका मैग्नेटिक पाथ होता है उसके रिलक्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पर ठोस पोल शू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए, और आज का आपका 30 क्वेश्चन है कि विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक, जो आपके बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी आपने मशीनें देखी होंगी यानी जिसे जनरेटर कहते हैं, तो जो डीसी जनरेटर आपके होते हैं उसमें जो योक होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उसमें आपका रोल्ड स्टील का योक बनाया जाता है, किसका योक बनाया जाता है, रोल्ड स्टील का। तो डी ऑप्शन यहां आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 पूछा है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है,
किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो ये होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है 32, जिसमें पूछा है आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स, यानी कि एक्स के रूप में ये स्लॉट आप देख रहे हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, खांचे। एक्स के रूप में चिन्हित खांचे का या स्लॉट का क्या उद्देश्य है? तो ये जो स्लॉट आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है जो कुंजी होती है, टू फिक्स द की वे, यानी कि कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, या फिर जो आपकी की होती है की वे, उसको फिक्स करने के लिए ये स्लॉट्स कटे होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 33, पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल्स इन डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाना चाहिए कि जो आपके डीसी जनरेटर होता है उसमें फील्ड कॉइल का क्या प्रयोग होता है ना, फील्ड कॉइल क्यों लगाई जाती है? तो फील्ड कॉइल का जो प्रयोग होता है ये होता है आपका जो कुंडली फ्लक्स है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए जो आपके पोल्स होते हैं उनको क्या करता है, चुंबकित करता है, यानी कि मैग्नेटाइज करता है, क्या, फील्ड कॉइल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी बोर्ड पर, तो बहुत अच्छे से मैंने ये सब आपको बता रखा है। अगर आप एक बार थ्योरी की क्लास यदि आप देख लें तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 34, जिसमें पूछा है कि विच मेथड इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, यानी कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या बनाने के लिए, पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है बड़े डीसी जनरेटर में? ध्यान रखेंगे बड़ा डीसी जनरेटर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर होता है आपका कास्ट स्टील का प्रयोग। सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 35, पूछा है व्हाई द पोल कोर स्टैम्पिंग्स आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित किए जाते हैं या पटलित करते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो आपका जो होता है रिड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। आर्मेचर में जो आर्मेचर की कोर पटलित होती हैं उसमें भी ये रीज़न होता है कि भंवर धारा हानि को कम करे। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक ज़रूर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 36, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका संट जनरेटर। कौन सा होता है? संट जनरेटर। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 37, पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? किसके लिए? डीसी मोटर के लिए। यहाँ जनरेटर नहीं पूछा है, जनरेटर के लिए तो आपका होता है 5ZNP/60A, यहाँ पर है आपका डीसी मोटर के लिए, तो यहाँ आपसे पूछा गया है क्या होता है। तो ये होता है डियर आपका बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वी माइनस आर्मेचर करंट, यानी कि वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट, और आर्मेचर प्रतिरोध यूनिट होती है इसकी वोल्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है, तो देख लेंगे यहाँ पर अपॉन में दिया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गुणा में दिया है, ये माइनस में दिया है, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्ट्स, हाँ सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए
और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है 38, पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका केल्विन ब्रिज। क्या होता है? केल्विन ब्रिज। सो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को भाई ध्यान रखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।